इस वीडियो में आपको क्लास 12th हिंदी सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मैं YouTube चैनल MsEducationTv के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें एक एक नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके आंसर आपको देने हैं। तो ये जो गद्यांश है इसको आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ लीजिए, वीडियो को रोक के आराम से पॉज करके, या फिर आप जो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, साहित्य और जीवन में गहरा संबंध है क्योंकि, तो इसका राइट आंसर है साहित्य का आधार जीवन है, गै ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 2, मनुष्य किसकी खोज में जीवन भर लगा रहता है, तो इसका राइट आंसर है आनंद की, खै ऑप्शन इसमें राइट होगा। क्वेश्चन 3, साहित्य के आनंद का आधार है, तो इसका आनंद का आधार क्या है, सुंदर और सत्य को पाना, कै ऑप्शन इसमें राइट होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 4, परिमिति का अर्थ है, तो इसका अर्थ होता है सीमित, कै ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 5, साहित्य किसके सामने जवाबदेह है, तो इसका राइट आंसर होगा मनुष्य के, गै ऑप्शन राइट। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन, काव्यखंड पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें देखिए एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये जो पार्ट रहेगा आपका सेकंड क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, पतंग कविता में कपास किसका प्रतीक है, तो कोमलता का प्रतीक है, तो इसमें खै ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 2, देखिए सीधी बात भी किसके चक्कर में फंस गई, भाषा के चक्कर में, गै जो ऑप्शन है ये राइट होगा अपना। क्वेश्चन 3, हो न जाए पथ में रात कहीं, सोचकर कौन जल्दी जल्दी चलता है, पंथी, गै ऑप्शन इसमें राइट होगा। क्वेश्चन 3, गदखंड पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे गए, इनके आंसर आपको देने हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, लेखक बचपन में किस सभा का उपमंत्री था, तो इसका राइट आंसर है कुमार सुधार सभा का, गै ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 2, भक्तिन कहाँ की रहने वाली थी, तो भक्तिन जो है जोशी की रहने वाली थी, कै ऑप्शन राइट होगा। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि भक्ति का गोना किस उम्र में हुआ था, तो इसका जो है कमेंट में जरूर इसका आंसर होता है, भक्ति का जो गोना है वो किस उम्र में हुआ था। क्वेश्चन 4, अभिव्यक्ति एवं माध्यम पाठ्य पुस्तक पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें एक एक नंबर के 2 प्रश्न यहाँ पे पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखिए भारत में इंटरनेट पत्रकारिता करने वाली पहली वेबसाइट है, तो ये कौन सी है, rediff.com, यानी कि सबसे पहली ये वेबसाइट थी। क्वेश्चन 2, समाचार लेखन के कितने ककार होते हैं, तो समाचार लेखन के 6 ककार होते हैं, क्या, कब, कौन, कहाँ, क्यों और कैसे, गै ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन 5, व्याकरण पर आधारित निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ग्रामर से जो यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए इनके आंसर आपको देने हैं। देखिए एक नंबर के 3 यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला है, दिगंबर का संधि विच्छेद कीजिए, तो दिगंबर का जो संधि विच्छेद बनेगा दिक् प्लस अंबर, दिक् प्लस अंबर, और इसके अंदर जो संधि है ये अपनी व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है जो एकैक होता है इसका संधि विच्छेद क्या बनेगा और इसमें कौन सी संधि है, इसका आंसर आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, एकैक का संधि विच्छेद करके और कौन सी संधि है जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। तो इसमें खै ऑप्शन राइट है, दिक् प्लस अंबर दिगंबर व्यंजन संधि। क्वेश्चन 2, चौराहा में कौन सा समास है, तो इसमें जो द्विगु समास है क्योंकि इसका मतलब होता है चार राहों का समूह जिसमें गिनती आती है। क्वेश्चन 3, सवर संधि के कितने भेद होते हैं, तो सवर संधि के 5 भेद होते हैं, कै ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 6th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित जो है पढ़कर संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये 5 नंबर के जो इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। सबसे पहला क्वेश्चन है कवि और कविता का नाम, तो कवि का नाम है हरिवंश राय बच्चन और कविता का नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। नेक्स्ट है, बच्चे किस आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे, प्रत्याशा में। नेक्स्ट है, चिड़ियों के घोंसले में किस दृष्टि की कल्पना की गई है, उतावलेपन के दृश्य की। नेक्स्ट है, चिड़ियों के पंखों में चंचलता क्यों उत्पन्न हो जाती है, माँ के इंतजार में। नेक्स्ट एड है, चिड़ियों को क्यों लगता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है, उनकी जो माता जीव है अभी तक नहीं आई है।
इसी के अथवा में देखिए आप, या तो ऊपर वाला क्वेश्चन आपको करना है या फिर जो क और ख दोनों पार्ट करने हैं, तो आपको ध्यान रखना है या तो सिक्स्थ का क्वेश्चन करना है या आपको सेवन्थ का। सेवन्थ में दो पार्ट दिए गए हैं, क और ख, तो या तो आप सिक्स्थ का क्वेश्चन कीजिए या फिर सेवन में क और ख दोनों कीजिए। सेवन्थ का है, काव्य खंड पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उचित उत्तर दिए गए अंकों के अनुसार उपयुक्त शब्दों में दीजिए। तो पहला तीन नंबर का रहेगा ये क्वेश्चन आपका, और दूसरा आपका दो नंबर का, टोटल जो दोनों है पांच नंबर के हैं। बात सीधी थी, कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो बात सीधी थी, कविता का मूल भाव यह है कि जीवन में सीधी बातों की अहमियत होती है। जीवन में कुछ बातें अपने आप सीधी हो जाती हैं जो हमें उनके महत्व को समझने के लिए प्रेरित करती हैं। कविता में इस बात को दर्शाया गया है कि हमें सीधी बातों को धैर्य से समझना चाहिए और सच्चाई से कभी नहीं भागना चाहिए। क्वेश्चन है, पतंग कविता का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। तो पतंग जो कविता है ये आलोक धनवा द्वारा रचित है, जिसमें कवि ने बाल सुलभ इच्छाओं और उमंगों का सुंदर और सजीव चित्रण किया है। उन्होंने बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तनों को सहज भाव से अभिव्यक्त किया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है जो आसमान में उड़ता है, जिसे बालमन छूना चाहता है। बच्चे उमंग से झूमकर आसमान को पार कर जाना चाहते हैं। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित गद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए, पांच नंबर का है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे प्रसंग, तो प्रस्तुत गद्यांश लेखक धर्मवीर भारती द्वारा लिखित पाठ काले मेघा पानी दे से लिया गया है। लेखक देशवासियों को देश के प्रति उनके कर्तव्य को जो है स्मरण करा रहा है। नेक्स्ट देखिए आप इसकी व्याख्या, लेखक कहते हैं कि लोग स्वयं को बड़े ईमानदार समझते हुए दूसरों के दुर्गुणों का बखान किया करते हैं, इस काम में उन्हें बड़ा रस आता है। किस किस ने क्या भ्रष्टाचार और घोटाले किए हैं यह तो हमें पता है, पर हम अपने भीतर जाकर नहीं देखते कि वे स्वयं भी तो इस भ्रष्टाचार में सहायक नहीं है। हम सभी जाने अनजाने में भ्रष्ट आचरण को बढ़ावा दे रहे हैं। यही कारण है कि देश पूरी गति से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अनेक योजनाएं बनती हैं, लाखों करोड़ों की धनराशि व्यय होती है, लेकिन जनता के हाथ कुछ नहीं पड़ता, उसकी झोली तो खाली की खाली रह जाती है। मेघ खूब बरसते हैं और जनता के दुर्भाग्य की फूटी गगरी रीति की रीति रह जाती है। इतनी वर्षा में भी जो है बैल प्यासे रह जाते हैं। नेक्स्ट देखिए इसी की ओर में क्वेश्चन दे रखा है। ये ओर वाला क्वेश्चन का मतलब क्या है कि या तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 करना है या फिर आपको 9 करना है। 9 के भी दो पार्ट दे रखे हैं, क और ख, तो 8th का कीजिए या फिर 9th के दोनों पार्ट आपको करने हैं, क और ख। क आपका तीन नंबर का रहेगा और ख आपका दो नंबर का, दोनों पाँच नंबर के हैं। क्वेश्चन 9 है कि गद खंड पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए अंकों के अनुसार उपयुक्त शब्दों में दीजिए। तो 3+2 पाँच अंक। ऊपर वाला प्रश्न जो है ये तीन नंबर का है, बाजार के जादू का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है, बाजार ग्राहक को आकर्षित करता है, वह सुंदर ढंग से सजी चीजों को देखकर मनुष्य उनको खरीदने के लिए मजबूर हो जाता है। यह जादू उन पर प्रभाव डालता है जिनको अपनी आवश्यकताओं का पता नहीं होता और जेब में खूब पैसा होता है। बाजार जाकर वे जो अच्छा लगता है उसे खरीद लेते हैं, यह नहीं देखते कि उनको उसकी जरूरत है या नहीं। वे फिजूल खर्ची करते हैं। इस जादू के उतरने पर उनको पता चलता है कि ज़्यादा चीज़ें सुख नहीं देती बल्कि उसमें बाधा डालती हैं। इसमें देखिए कहकर भक्तिन के चरित्र की किन्हीं तीन विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो भक्तिन जो है उधेड़ उम्र की महिला है, उसका कद छोटा व शरीर दुबला पतला है, उसके होठ पतले हैं और आँखें छोटी हैं। भक्तिन बेहद स्वाभिमानी और कर्मठ महिला है। भक्तिन में जो है सच्चे सेवक के सभी गुण हैं। आपको जो है भक्तिन जो पार्ट है इसके लेखक का नाम कमेंट सेक्शन में बताना, इसके लेखक कौन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10, अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ्य पुस्तक पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, पांच नंबर का रहेगा। इसमें देखिए, समाचार कैसे लिखा जाता है स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, समाचार का मुख्य कार्य पाठकों को सूचना देना होता है। समाचार को हमेशा उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है ताकि यह पढ़ने वालों को घटना का जो है पूरा विवरण आसानी से प्रस्तुत कर सके। समाचार लिखते समय भाषा को भी सरल और सहज रखा जाता है ताकि पाठकों को यह सब आसानी से समझ में आ जाए। आमतौर पर समाचार पत्रों में समाचार पूर्णकालीन और अंशकालिक पत्रकार लिखते हैं, लेकिन संवाददाता या रिपोर्टर भी कहते हैं, जिन्हें हम संवाददाता या रिपोर्टर कहते हैं। समाचार लिखते समय पत्रकार अपने विचार भावनाएं और दृष्टिकोण को व्यक्त नहीं कर सकता। समाचार पूर्णतः तथ्यों पर आधारित होता है। अब इसी के अथवा में देखिए, या तो आपको 10th का क्वेश्चन करना है या फिर आपको 11th का। 11th में भी दो पार्ट दिए गए हैं, क और ख,
दोनों में से आपको एक जो है या तो 10th का कीजिए या फिर 11th के दो पार्ट हैं, कै और खै, कै 3 नंबर का, खै 2 नंबर का, दोनों आपको करने हैं। तो 11 का देखिए, फ्रीलांसर पत्रकार किसे कहते हैं, 3 अंक का ये उत्तर है। पत्रकार लेखन का वह प्रकार जिसमें एक पत्रकार स्वतंत्र रूप से भुगतान के आधार पर विभिन्न समाचार पत्रों के लिए लेख लिखता है, फ्रीलांसर पत्रकार कहलाता है। इसमें खै पार्ट है, उल्टा पिरामिड शैली को कितने भागों में बांटा जाता है, नाम लिखिए, ये 2 नंबर का है। उल्टा पिरामिड शैली को 3 भागों में बांटा जाता है, इसमें पहला है इंट्रो या मुखड़ा, दूसरा बॉडी और लास्ट में समापन। क्वेश्चन 12, वितान भाग 2 के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, 2 नंबर के 2 प्रश्न हैं, ये 4 नंबर का है। सिल्वर वेडिंग कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, इसका उत्तर है, सिल्वर वेडिंग कविता की मूल संवेदना 2 पीढ़ियों के बीच के अंतराल को स्पष्ट करना है। यशोधर बाबू पुरानी पीढ़ी के आदर्शों और मूल्यों से जुड़े हैं, जबकि उनके बेटे नई पीढ़ी के अनुसार जीने में विश्वास रखते हैं। लेखक ने इस कहानी में दोनों पीढ़ियों के अंतर को जो है कुशलतापूर्वक अभिव्यक्त किया है। सबसे पहले देखिए, आपको यहाँ पे जो सिल्वर वेडिंग है, इसके जो लेखक हैं, इनका नाम जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, फिर मैं आपको कमेंट में इसका राइट आंसर बताऊंगा, इनके लेखक का नाम क्या है। खै पार्ट देखिए, सिल्वर वेडिंग पार्टी में यशोधर बाबू ने केक और लड्डू क्यों नहीं खाए, तो इसका आंसर है, यशोधर बाबू ने केक इसलिए नहीं खाया क्योंकि उन्हें केक पसंद नहीं था। केक में अंडा होता था, जबकि यशोधर बाबू शाकाहारी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, वे केक काटना पसंद नहीं करते थे और न ही उन्हें विदेशी तरीके से जन्मदिन मनाना पसंद था। क्वेश्चन 13, गुण संधि किसे कहते हैं, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए, 2 नंबर का रहेगा आपका। इसका उत्तर है, जब संधि करते समय ए या आ के बाद ई या बड़ी ई आ जाए तो ए बन जाता है, ए या आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ बन आए तो ओ बन जाता है, ए या आ के बाद री आए तो अर बन जाता है, तो यह गुण संधि कहलाती है, जैसे कि पर प्लस उपकार परोपकार। क्वेश्चन 14, नैतिक शिक्षा पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए अंकों के अनुसार उपयुक्त शब्दों में दीजिए, इसमें 2 नंबर के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये टोटल 4 नंबर का है। कैप क्वेश्चन कैप पार्ट देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सांकेतिक भाषा में क्या समझाया, तो इसका उत्तर है, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सांकेतिक भाषा में समझाया कि यदि मनुष्य का हृदय दुर्बल हो जाता है तब महाबल जो है महाबलशाली पुरुष भी कमजोर पड़ जाता है, कमजोर हृदय या मन के कारण ही शरीर भी लड़खड़ाने लगता है, अतः इसे अपने हृदय की जो है दुर्बलता त्याग कर युद्ध करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, आत्म अनुशासन के अनुसार मनुष्य अपने जीवन को किस प्रकार सफल बना सकता है, तो इसका उत्तर है, आत्म अनुशासन शब्द का अर्थ है स्वयं पर अनुशासन या नियंत्रण, यदि मनुष्य अपने मन एवं अन्य इंद्रियों को केवल सदुपयोग करता है तो बुराई की दशा में उन पर नियंत्रित रखता है तब उसे आत्म अनुशासन कहा जाता है। आत्म अनुशासन के बल पर ही मनुष्य कुसंगति से बच सकता है, हानिकारक पदार्थों का सेवन करने से बच सकता है, वह अपने मन को एकाग्र करके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी शक्ति व ऊर्जा लगा देता है, इस प्रकार आत्म अनुशासन के द्वारा मनुष्य अपने जीवन को सफल बना सकता है। तो यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो के बीच में मैंने आपसे जो है कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो उनके आंसर आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, और भी आपको वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MsEducationTv के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो डायरेक्ट गूगल के ऊपर टाइप कर सकते हैं www.mseducationtv.com, वहाँ पे आपको जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और विधान सर आपको मिल जाएंगे। मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।